इसमें क्लिप आर्ट आता है, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ये टास्क पेन सा खुल के आ गया है। यहाँ पे जाएंगे आप ऑर्गेनाइज क्लिप में, तो यहाँ पे आपको कुछ कलेक्शंस मिलेंगी। आप जाएंगे ऑफिस कलेक्शंस, इसमें जो जिस तरह की भी आपको पिक्चर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सपोज ये चाहिए, राइट क्लिक, कॉपी, यस, और पेस्ट, कंट्रोल वी, ये राइट क्लिक करके पेस्ट। ये आपका क्लिप आर्ट है। आप चाहें तो पिक्चर यहां से भी सर्च कर सकते हैं, कार सर्च किया, जैसे कार गो, देखिए कार आ गई यहाँ पे, जो भी आप टाइप करेंगे, हेलो, अगर इसकी पिक्चर कोई हुई यहाँ पे इस तरह की तो आपको दिखाएगा। नो रिजल्ट फाउंड, बिल्डिंग, गो, जो भी जैसी भी आपको पिक्चर चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप इसके साथ भी, क्लिप आर्ट के साथ भी वही कर सकते हैं जो एक पिक्चर के साथ आपने किया, उस पे जो फॉर्मेटिंग करनी है, ब्राइटनेस देनी है, फ्रेम देना है, ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, व्हाटएवर। सो कंट्रोल ए करेंगे आप इसको और डिलीट। सो इसके बाद इंसर्ट में अगर आप जाएं तो आपके पास शेप्स आती हैं, कोई भी शेप, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया पहले, ये देखिए यहाँ पे शेप्स टेक्स्ट बॉक्स रिसेंटली यूज, ये देखिए। तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है, एंटर। जबकि साइड में, ये साइड में जो आ रहे हैं ये स्लाइड्स, इन्हें कहते हैं थंबनेल्स। ये आपको ये फायदा देते हैं कि जो भी आप, आपके पास यहाँ सामने देखिए पेज दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको उसके तीन चार जो जितनी आपकी स्लाइड्स हैं वो दिख रही हैं। सो जैसे आपने यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने किया शेप्स, कोई भी शेप आप अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई भी शेप। और फिर उस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, शेप फिल, कौन सा कलर फिल करना है, पिक्चर फिल करनी है, जैसे ये पिक्चर फिल करनी है, आ गई, आउटलाइन देनी है, वेट जो भी देंगे आप, शेप फिल में एक चीज रह गई है ग्रेडियंट, जैसा आप स्टाइल देंगे उसे। वन मोर थिंग इज लेफ्ट, टेक्सचर, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, कोई भी आउटलाइन नहीं आएगी, वेट आएगा, डैशेस आएंगे, एरोज आएंगे, ये देखिए एरो बन जा रहे हैं, कैसा एरो आपको चाहिए वो यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी शेप के इफेक्ट्स, शैडो इफेक्ट, ये ग्लो करेंगे, थ्री डी रोटेशन, इसके बाद आप नेक्स्ट आप देखें, अगर आपने टेक्स्ट पे कुछ अप्लाई करना है, सिलेक्ट किया ये,
कोई भी टाइप वो टेक्स्ट पे आ जाएगी। कौन सा कलर फिल करना है? नो फिल, कोई भी कलर नहीं आएगा। टेक्स्ट के अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर लेके आनी है, जैसे पहले तो यहां से इसका जो साइज है वो बढ़ाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, टेक्स्ट आउटलाइन, नो आउटलाइन, वेट, दिस इज द आउटलाइन कलर। बाकी टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, टेक्स्ट शेडो आता है, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बीवल, रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, जैसे भी सेलेक्ट करते हैं। ये आपके टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, ये देखिए जैसा भी टेक्स्ट आपको चाहिए। सो उसके बाद आपके पास आता है ये फोटो एल्बम, न्यू फोटो एल्बम। आप कोई एल्बम बनाना चाहते हैं, फोटो एल्बम, जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे पिक्चर, सबसे पहले डेजर्ट क्रिएट, ये आपकी फोटो एल्बम बनना स्टार्ट होगी। ये आपकी प्रेजेंटेशन है और ये आपकी फोटो एल्बम है। और आपने कोई फोटो ऐड करनी है तो करेंगे एडिट फोटो एल्बम, यहाँ पे जाएंगे एंड फाइल डिस्क में जाएंगे, यहाँ से आप कुछ सिलेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, वो अपडेट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट और एडिट फोटो एल्बम, कोई और फोटो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, अपडेट। सो आप देखें ये प्रेजेंटेशन जो आपकी बनी है, जो ये जो पिक्चर बनी है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। F5 से चलेगी प्रेजेंटेशन।